हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स एक्स वाई का मॉक टेस्ट, ठीक है। और ये है मॉक टेस्ट नंबर 16 और 1 अक्टूबर से आपका जो है मैं इस मॉक टेस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वैसे तो बीच गैप दे दे के मैं कर ही रहा था, बाकी जो इंग्लिश का स्पेशल लाइव क्लासेस तो जो होगा वो होते रह रहा है वो टाइम टाइम पे, बट जो ये मॉक टेस्ट इंग्लिश और रागा का चलेगा वो आपके एग्जाम तक चलने वाला है अल्टरनेट बेसिस पे। रागा का तो रेगुलर नहीं होगा बट इंग्लिश का रेगुलर होगा। रागा के एक दिन बीच करके हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो आज 1 अक्टूबर है, 13 तारीख तक कम से कम, और अभी मतलब लगभग आपके 12-13 मॉक टेस्ट आएंगे जहाँ से कम देखना आपके 70% के आसपास क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में देखने पड़ेंगे, मिल जाएंगे। अगर एक से लेके और मतलब मॉक टेस्ट मतलब एक नंबर से लेके और मान लो 15-18 कम से कम 18 इंग्लिश के मॉक टेस्ट, सॉरी ये मैंने क्या कह दिया, मेरे को 13 काउंट करना था, मतलब 28, तो मतलब कुल मिला एक 25 से 28 के आसपास मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराऊंगा। पूरा मॉक टेस्ट अगर किसी ने यूट्यूब पे किया होगा तो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, इवन बहुत सारे वोकैबुलरी वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा अगर बहुत अच्छा तैयारी करना है कम टाइम के अंदर, तो मैंने आपको इंग्लिश की क्रैश कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री में करा रखी हैं। कुछ क्लासेज हो गई हैं जैसे पैसेज मैंने करा रखा है, 4 नंबर यहाँ से गारंटीड होगा क्योंकि एक ही क्रैश कोर्स के अंदर 6-7 पैसेज और ट्रिक मैंने बता रखे थे। मैंने PQRS जिसको आप कहते हो ना, जिसको हम लोग पैरा जंबल कहते हैं, एक सवाल आएगा तो ये तो फिक्स हो, ये वीडियो देखने के बाद क्रैश कोर्स की आपकी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के टॉप 52 रूल्स कराए हैं जहाँ से हर शिफ्ट में 3 सवाल आएंगे, तो समझ में आ रहा है। ये सभी चीज़ें मैंने करा दी हैं, कुल मिला के आपके 8 नंबर तो क्वेश्चन ऐसी पक्के सिर्फ 3 वीडियो से हो रही हैं, ठीक है। बाकी बाकी की जो क्लासेस हैं उनको मैं अपलोड कर दूंगा। और ये मैंने जो टॉप 52 रूल्स बताया ना, मिनिमम मैंने कहा 3, बाकी 3 से ज़्यादा नंबर भी आ जाए इनसे इंग्लिश के, वो तीनों वीडियोज को आप देख लो, बेटर रहेगा क्रैश कोर्स के अंदर का। और बाकी क्रैश कोर्स अपलोड करेंगे। देखो मैं ना जानबूझ के 2 दिन से सुस्त हो गया हूँ क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था लास्ट स्टेज चल रही है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के। अभी FCAT का जो मैंने रिजल्ट दिया था वो मेरा, क्योंकि मैं जब एग्जाम देने गया था तभी मैंने सोचा था कि इस बार फोड़ेंगे बहुत अच्छे नंबर के साथ, बिकॉज लास्ट स्टेज है। और स्टेज 2 में जाना नहीं जाना वो तो अलग की बात है, मेरा पर्पस रहता है रिटर्न क्लियर करने का। अभी CPU वगैरह का भी एज ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो मे बी अगली बार चांस ना मिले तो लास्ट स्टेज है। 3 तारीख को CPU के एग्जाम है, थोड़ा सा मैंने सोचा चलो 1-2 दिन रिविजन कर लेते हैं, जो टाइम मिला है जाके फोड़ के आ जाएंगे इसको भी। कहोगे सर ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, 2-3 दिन के अंदर क्या होगा, बहुत कुछ हो जाता है हमारे साथ तो, क्योंकि हम तो सालों भर पढ़ते रहते हैं आपको पढ़ाने के चक्कर में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं 3 तारीख को एग्जाम में 3 तारीख तक सुस्त रहूँगा, यूट्यूब के ऊपर उतना एक्टिव नहीं रहूँगा जितना चाहिए। 3 तारीख के बाद फोड़ने वाले, ठीक है। जितने भी क्रैश कोर्स वगैरह है हम लोग 10 तारीख तक, मतलब 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में पूरा का पूरा हम लोग अपलोड कर देंगे। और बाकी साथ साथ में रिवीजन कंटिन्यू रखो, रिवीजन कंटिन्यू रहेगा तो एग्जाम में सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। बाकी हमारी जो पेड PDF है वाई ग्रुप की, रीजनिंग की, वाई ग्रुप की, मैथ की, इनको बना लो, मैं गारंटी कहता हूँ रीजनिंग में 100% सवाल हमारी PDF के कॉन्सेप्ट से आएंगे, गारंटीड 100%। एक सिंगल सवाल जो रीजनिंग का होगा जो PDF से बाहर कंसेप्ट का नहीं होगा। मैथमेटिक्स के 100% सवाल हमारे PDF के कॉन्सेप्ट से होंगे। एक सिंगल सवाल भी हमारे PDF से बाहर आया, बाहर कंसेप्ट का आया, तो फिर हम अगली बार से ना बैचेस बंद कर देंगे एयरफोर्स का। हम इतना कहते हैं ना ठोक के कहते हैं, तो ये मैथ और मतलब क्या कहते हैं रीजनिंग का तो 100% फिक्स है। कुल मिला के रागा के अंदर 15 रीजनिंग और मतलब 7 मैथ भी आता है, तो 22 नंबर हमारी PDF से स्कोर करना, अगर कंसेप्ट बढ़िया से पता हो इजी है इसको सॉल्व करके। साथ ही साथ हमारे करंट अफेयर के साथ अगर आप करंट अफेयर बाई करते हो तो इसके साथ GK भी मिल जाता है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और इंग्लिश की 2 PDF हैं, एक तो वो कैब का स्पेशल और ग्रामर का, अगर इंग्लिश बाई करते हो तो दोनों PDF एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ से कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ ये एक्स एंड वाई दोनों के लिए काम करेगा, तो आपको इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस वाली PDF में भी बहुत ज़्यादा है, क्या कहते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब पैसेज पैरा जंबल मिसेस्पेल जो भी चीज़ें मिलेंगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको दोनों PDF के अंदर मिलेगा। सारे PDF को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे, अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो खाली इंग्लिश की PDF बाय करोगे, अगर वाई ग्रुप से हो तो आप सारी PDF बाय करोगे। सबका पेमेंट पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं है, पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है। बोलते हो ना व्हाट्सअप पे कि नहीं सर ने तो पैसा बोला ही नहीं था, प्राइस आपको व्हाट्सअप पे बता दिया जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाय कर सकते हो। आप व्हाट्सअप करके बाई करोगे 7279047787 नंबर व्हाट्सअप करोगे, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। व्हाट्सअप करो, वहाँ पे प्राइस बता दी जाएगी, PDF दे दी जाएगी। तो ये सभी चीज़ें मैं थोड़ी सी टाइम लेके मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं हम लोग इधर मॉक टेस्ट के ऊपर। अब हमारा कह रहा है ना, पहला सवाल क्या कहता है, मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एज इंटेंस फियर ऑफ हाइट्स इज नोन एज। तो इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर रखा है काहे के लिए, तो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। ओके, तो सर इसका कहने का मतलब क्या है, देखो सीधे सीधे कह रहा है कि ऐसी मेंटल बीमारी, मानसिक बीमारी, एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, वो आपके हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, ये एक मेंटल बीमारी है। इससे क्या प्रॉब्लम होता है भाई, फियर ऑफ हाइट। जब भी हमको एक ऐसा कोई बीमारी हो, जब भी हम ऊंचाई पे चढ़ें और हमको लगे डर,
ठीक है, लगे रहा कि हम गिर जाएंगे, जमीन हिल रहा है, घर हिल रहा है, ऐसा फील होने लगे, लग रहा है कि आप गिर ही जाओगे आप, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं हम लोग? एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी में है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर लगना, और एक प्रकार की कोई बीमारी है, ये मेंटल बीमारी है, और इसे कोई हमको ऐसे बॉडी पे असर नहीं आएगा जब तक आप हाइट के ऊपर नहीं जाओगे तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, बताओ ग्रामर का रूल अप्लाई करना होगा यहाँ पे। कह रहा है द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज टीम मेंबर्स डैश शॉर्टली। अब यहाँ पे क्या फिल करें? तो अगर आप रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड कर रहे होगे ना, 11 बजे लाइव क्लासेस चलता है, सैटरडे और संडे को बंद रहती है वैसे, तो जो 5 दिन से चल रही थी मंडे को होगी, फिर 3 तारीख को बंद रहेगी, बिकॉज 3 तारीख को तो मैं रहूंगा ही नहीं, 3 तारीख को लाइव रहेगा बंद, उसके बाद कंटिन्यू एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा क्लासेस लाइव लेके आए। ठीक है, बाकी चलो यहाँ पे जो मैं कह रहा था, द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज टीम मेंबर्स डैश शॉर्टली। क्या शॉर्टली भैया क्या? तो यहाँ पे कह रहा है द मिनिस्टर, जब मैंने बोला था ना आपको अलॉन्ग विथ या फिर सिर्फ विथ, और इसके अलावा कहते हैं ना अलॉन्ग विथ या विथ हो गया या फिर एज वेल एज हो गया, ये जितने भी कंजक्शंस हैं इनके साथ अगर जब भी कोई सेंटेंस को एडअप करना हो तो ये चीज़ ध्यान देना कि जब भी हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये कैसा है। कहोगे सर ये तो द मिनिस्टर जो है आपका सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वर्ब को क्या करना होगा, प्लेसमेंट करना होगा। डेट इज क्लियर। यहाँ पे द मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के यहाँ पे सिंगुलर के लिए क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर। और इन सब में देखोगे बी सी एंड डी के अंदर आर से स्टार्ट है, तो आर तो ऑब्वियसली प्लूरल है तो यूज नहीं होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इज एक्सपेक्टेड टू अराइव। ठीक है, वैसे ये सभी चीज़ें मैंने इंग्लिश की टॉप 52 ग्रामर रूल्स के अंदर इनको पढ़ा रखा है। अगर आप में से किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी तो फिर प्रॉब्लम है, जिसने देखा होगा ना टॉप 52 रूल जो भी रिसेंटली पिछले महीने मैंने पढ़ाया था, ओल्ड वाली मत देखना, पिछले महीने वाले देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा वहाँ से। मैं बोल रहा हूँ पूरा ऑलमोस्ट ग्रामर आपका कवर, 99% चीज़ें मैंने कवर कर दी है खाली 52 रूल के अंदर। आई कह रहा है इन द लाइमलाइट एक जो है एक ईडियम फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट का मतलब आपने सुना होगा, ज़्यादा लाइमलाइट में मत आओ, अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो लाइमलाइट में मत आओ, थोड़ा सा पैसे छुपा के रखो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है, लोग कहते हैं ऐसा। तो लाइमलाइट का मतलब होता है सबके सामने, मतलब दिखावा नहीं करो, सबका मतलब अट्रैक्शन तुम मत लो, ठीक है, सबके नज़र में मत आओ। ठीक है, बातें समझ में आ गया? इन द लाइमलाइट का मतलब होता है सबके नज़र में मत आओ तुम, जब सबका नज़र आप पे है तो सबके आप क्या बने हो? एक सेंटर बने हो जहाँ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, इस बंदे के पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा है या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है, जो कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, डेट इज़ क्लियर। चलो अब ये नहीं कह सकते अबाउट टू बी सक्सेसफुल, ये तो बेहुदापन है, ठीक है ना। अट्रैक्शन मतलब आप एक ऐसा सेंटर बन जा रहे हो, मतलब हर कोई का जो निगाह है आपके ऊपर है, मतलब उसको कहते हैं इन द लाइमलाइट। अगला सवाल कह रहा है इसके अंदर आपको ग्रामेटिकल एरर खोजना है, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। इसके अंदर क्या एरर है बताओ, जल्दी से दिमाग लगा के बताओ। आपने अगर ग्रामर का रूल पढ़ा होगा, टेंस पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें फोड़ दोगे। हमने इफ के साथ पढ़ा था ना, इफ क्लॉज के साथ, अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये क्या है? इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो ये ऑब्वियस ही चीज़ है, यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फिर कह रहा है तो दूसरा क्लॉज जो होगा ना एक, ये किस टेंस के अंदर होगा? तो ऑब्वियस ही चीज़ है, जब इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो सेकेंड जो होगा आपका कौन सा होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट के अंदर होगा। बट ये क्या कह रहा है? यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड, ये तो पास्ट के अंदर घुस गया भैया, गॉट गेट का वी टू गॉट होता है, तो जो कि गलत है यहाँ पे। तो ये जब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो ये क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो ये क्या होगा? यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे होना चाहिए यू विल श्योरली, ठीक है, गेट सेलेक्टेड, ये गेट होगा यहाँ पे, ना कि गॉट। और यहाँ पे विल का यूज करो, एंड विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड, दैट इज क्लियर फॉर द स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह चीजें। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी के अंदर एरर है। तो बी में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं होगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट की वजह से ये फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएगा। चीजें पढ़ा रखी गई हैं, डिपेंड करता है आप कितना रिविजन करते हो, क्योंकि पढ़ने के बाद भी कुछ लोग से सवाल नहीं बन रहे, ये टोटली प्रॉब्लम है उनका, रिविजन एंड प्रैक्टिस, ना खाली रिविजन। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से क्या होगा? उस मतलब कहते हैं ना कि हमने चलो स्विमिंग सीख लिया, तो स्विमिंग सीख लिया और वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, उसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्या बन जाएगा? नहीं, बार बार पानी में उतरो और बार बार तैरो, मतलब बार बार सवाल पे उतरो, बार बार सवाल को बनाओ, तब जाके आपकी हैबिटेट्स। फिर मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, मतलब एक EDM है, इसका मतलब क्या होता है? मिसिंग द, सवाल में देखो जवाब छुपा होता है। EDM के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं सवाल में ही जवाब छुपे होते हैं, अगर हम बढ़िया से पढ़ेंगे इसको ना तो चीज़ें मिल गई, ठीक है। जैसे कह रहा है मिसिंग द फॉरेस्ट, हमने जंगल को खो दिया ऐसा लग रहा है, फॉर द ट्रीज, कुछ पेड़ों के लिए। अब मैं बोलूँगा कि अगर कुछ पेड़ के लिए हमने पूरा जंगल खो दिया, मतलब ऑब्वियस चीज़ें, एक जंगल के अंदर थोड़े मोड़े पेड़ नहीं होते हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में पेड़ होते हैं।
लाखों पेड़ हमने खो दिया मात्र कुछ फॉर द ट्रीज, मतलब कुछ पेड़ के लिए। तो ऑब्वियस सी चीजें, छोटी सी चीज के लिए आपने बड़ा चीज खो दिया, तो वैसा सेंस वाला ऑप्शन कहाँ दे रहा है? अनेबल टू सी प्रॉपरली, ऐसा कुछ चीज है क्या कि हम बढ़िया से देख नहीं पा रहे? वैसा तो कुछ चीज नहीं है, ये तो बेहूदापन है, गलत है। फिर कह रहा है बींग ऑब्सेस्ड विद समवन और समथिंग, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए, ये तो हमारा है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है हमको। ये फील खोजना है कुछ ऑप्शन में कि छोटी चीज पाने के लिए हमने बड़ा चीज खो दिया, वैसा कुछ खोजना है ऑप्शन के। लॉस ऑफ वेजिटेशन, तो ये भी नहीं है। ये कह रहा है अनेबल टू फोकस ऑन द फोकस ऑन अ सिचुएशन ड्यू टू बींग प्री ऑक्यूपाइड विथ अ माइनर डिटेल्स, हम कह रहे हैं कि हम फोकस नहीं कर पा रहे ऑन अ सिचुएशन ड्यू टू बींग प्री ऑक्यूपाइड विथ अ माइनर डिटेल्स, मतलब एक छोटी सी डिटेल्स की वजह से जहाँ पे हम लोग पहले से ऑक्यूपाइड लगे हुए हैं उसकी वजह से कहीं हम लोग किसी सिचुएशन पे क्या कर रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे। बाकी वही चीज कहने का मतलब है, छोटी चीजों के ऊपर हमने पहले इतना फोकस कर दिया कि हम दूसरी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो कहने का मतलब वही है कि छोटी चीज पाने के चक्कर में ना हमने बड़ा चीज गंवा दिया। कुल मिला के सेंस तो वही दे रहा है, सेंस पकड़ो, ठीक है। अब आजकल के सवाल थोड़े से जितने इंग्लिश के हो चाहे मैथ के हो, पहले की तरह सिंपल सिंपल नहीं आ रहे, थोड़ा सा घुमा फिरा क्या रहा, तो सेंस पकड़ो। और जो जो बहुत ज्यादा ट्रिक ट्रिक रखते हैं ना हर चीज में, मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिक लगा दो, उन सबकी नानी आधार ही एग्जाम के अंदर है, इस मास्टर आपने तो ट्रिक पढ़ाया था एग्जामों में तो काम ही नहीं आ रहा है। वही फर्क है कि पहले का ट्रिक और आज के सवाल दोनों एक दूसरे से बड़ा, क्योंकि जो आप सोचते हो ना कि हम बहुत स्मार्ट है, हमने ट्रिक पढ़ा है, क्वेश्चन बनाने वाला भी जान गया कि इसका ट्रिक कैसे बन रहा है, ठीक है आ बेटा तुमको हम सिखाते हैं, ट्रिक के आसपास ही सवाल को बना देगा जो ट्रिक डायरेक्टली फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी में देख लो क्वेश्चन के आसपास ही ऑप्शन है जो कि डायरेक्टली मीनिंग नहीं निकल रहा, तो मेन पर्पस क्या होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट हमको अर्थ समझ में आना चाहिए। आगे पढ़ो क्या कह रहा है ना, रीअरेंज द सेंटेंसेस कह रहा है जस्टिस रामना। अभी जो जस्टिस रामना है, अब मैंने आपको पैराजम्बल या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने के क्या सिखाया था, कहा था ना उसमें, हाँ इसमें आपको करने के लिए एक चीज सिखाई गई थी हमको, सब्जेक्ट वर्ब मतलब एक सेंटेंस की फॉर्मेशन को पकड़ो, ग्रामर के रूल्स को पकड़ो, नाउन प्रोनाउन का प्लेसमेंट, नाउन के साथ सब्जेक्ट का प्लेसमेंट, इन सभी चीजों को मैंने बताया था। तो ये जस्टिस रमना क्या एक इंसान है, भले वो जस्टिस है लेकिन रमना जी एक इंसान है। जब हम कोई इंसान आ गया तो मैं बोलूंगा ना कि आई एम गोइंग, ठीक है आई एम गोइंग, मैं सिंपल सा सेंटेंस बोल रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, मतलब आई के साथ क्या आया, एक एक्जिलरी वर्ब आया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे को एक्जिलरी वर्ब चाहिए ही नहीं, किसी में एक्जिलरी वर्ब नहीं है, कांग्रेचुलेटेड एक मेन वर्ब है, ऑन क्या एक प्रीपोजिशन है, एंड क्या कंजक्शन है, तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना आई वेंट, मतलब मैं गया। दैट इज क्लियर कि सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी मेन वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो जस्टिस रमना के बाद ना अगर हम एंड करेंगे जस्टिस रमना और, तो मतलब किसी और एक इंसान को ऐड करना पड़ेगा, तो एंड विश तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग किसी नाम के साथ एंड वर्ड करते तो दूसरा नाम चाहिए मेरे को, एक्स से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, ए एंड बी तो ऐसे ही कट गया, तो बचा डी, क्योंकि जस्टिस रमना ऑन हिज अपॉइंटमेंट तो कर सकते थे लेकिन कुछ लॉजिक मिले तब, बट वाई से हमारे पास कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं है, सी एंड डी के अंदर है भी नहीं, ठीक है। तो अब बचा मेरे पास जेड से स्टार्ट करने का, कह रहे जस्टिस रमना कांग्रेचुलेटेड जस्टिस ललित, ठीक है। जस्टिस रमना ने क्या किया, कांग्रेचुलेट किया जस्टिस ललित को, किस चीज के ऊपर भाई, क्यों, तो रीजन होना चाहिए ना, तो उस रीजन को बताओ, ऑन हिज अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट पे, ठीक है। और अब बचा क्या, एंड विश्ड हिम अ ग्लोरियस टेन्योर एज द नेक्स्ट सीजीआई, मतलब उन्होंने क्या किया, जस्टिस रमना ने क्या किया, जस्टिस ललित को क्या क्या कांग्रेचुलेट किया उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर, और विश्ड किया कि अगला आपका जो टेन्योर होगा, आपका कार्यकाल होगा, वो बहुत अच्छा होगा, सीजीआई के तौर पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे, ठीक है। तो जेड वाई एक्स बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है। तो छोटा सा सवाल था, खैर मैंने आपको, ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बाकी मैंने आपसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल जो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं उस टाइप के सवाल मैंने आपको उस क्या कहते हैं क्रैश कोर्स के अंदर करा रखा है। बाकी देख दो यहाँ पे कह रहा है स्टार्टल्ड का, कह रहा है सिनोनिम बताओ, मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया है, ठीक है, इसका अफसोस है। सिनोनिम कह रहा है स्टार्टल्ड का मतलब बताओ, स्टार्टल्ड का मतलब होता है ना जैसे किसी चीज़ को लेके आप ऑप्शन पहले देखो, मेरे को नहीं पता क्या होता है, ऑप्शन देखेंगे समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे को ना स्टार्टल्ड का मान लो मतलब ही नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, बाकी सारे ऑप्शन का अगर मेरे को मतलब पता है तो फिर किस तरीके से इसको हटाएंगे। देखो स्केयर का मतलब क्या होता है, डरना, ठीक है, स्केयर्ड मतलब डरना। ह्यूमिलेट का मतलब होता है शर्म होना, शर्म लगना, या फिर शर्मसार कोई, मतलब शर्मिंदा होना, ऐसा होना। मतलब सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना, और सेम का भी मतलब होता है ना सेम ऑन यू, मतलब तुम पे शर्म आना चाहिए, शर्म से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं है। अब शर्मिंदा और शर्म ये दोनों एक है, तो बी एंड डी को तो एलिमिनेट कर दो, बिकॉज दोनों का अर्थ एक है, तो बी एंड डी तो नहीं होने वाला है,
ठीक है, डेट इज क्लियर, क्योंकि एक ही सिनोनिम के दो दो एक ही आंसर में नहीं रहेंगे। अब बचा स्केयर और एक बचा कौन सा, सरप्राइज। इन दोनों में से आपको अगर एलिमिनेट करना हो तो हम ऑप्शंस के सेंस में जाएंगे। देखो ह्यूमिलेट क्या एक नेगेटिव वर्ड दे रहा है, सेम क्या कह रहा है भैया, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, और स्केयर भी एक नेगेटिव डरना दे रहा है। तो एक सरप्राइज जो है आश्चर्य, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थ देता है, कभी खुशी में भी सरप्राइज होते हैं और गम में भी सरप्राइज होते हैं। तो ये सबसे डिफरेंट लग रहा है, और स्टार्टल्ड का मतलब ये होता है आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य होना। ठीक है, इस तरीके से हम ऑप्शंस को अगर मान लो ना, ये जो लास्ट में जो मैंने बताया कि ये निगेटिव पॉजिटिव दे रहा है सेंस, तो उसको छाट भी दो। तो पहले तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, तो तुक्का भी मारना है, तो ए और सी में आप तुक्का मार सकते हो अगर आपने, क्योंकि चारों में तुक्का मारने से अच्छा है कि कम से कम दो चीज़ों को किस तरीके से एलिमिनेट कर ले। लेकिन जब अर्थ ना पता होता, वैसे तो तुक्का मारना मेरे हिसाब से गलत चीज़ है, अगर क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट हो गया तो। मान लेते साथ ही हमको क्वेश्चन 20 में से पता है, बाकी 13 का हमको आंसर ही नहीं पता, उस सिचुएशन में तुक्का तो मारना पड़ेगा, तो ऐसे तुक्का मारना। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सरप्राइज, बिकॉज स्टार्टल का मतलब भी होता है आश्चर्य होना, और सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना। मैं चीज़ों को साथ साथ लेके सिखाना चाहता हूँ, अब एग्जाम में टाइम नहीं है, मैं पहले तुक्का मारने के लिए कभी नहीं कहता था, बट मान लो कभी कभार आ गया सिचुएशन ना, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैंने सिर्फ करेक्ट मतलब कन्फर्म 7 का सही सही आंसर दिया, बाकी क्वेश्चन को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 7 तो हमारा सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। तो हमको कम से कम कुछ क्वेश्चन तुक्के भी मारने होंगे, तो तुक्का इस तरीके से मारते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को इरेटिक का मतलब नहीं पता और मेरे को सेम मीनिंग चाहिए। अच्छा, पिछले वाले का क्या सिनोनिम ही पूछा था, इसका भी आपसे सिनोनिम पूछ रहे हैं। तो मान लो इरेटिक का मतलब नहीं पता, तो हम कैसे आंसर करेंगे? देखो, अनप्रिडिक्टेबल मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब जिसका हम क्या नहीं मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, ध्यान से सुनना, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहे हैं, सारे ऑप्शन से ईजी हैं, सब समझ में आ जाएगा। हम तो ऑब्वियस ही चीज़, ये सारे वर्ड जो है ना आप यूज में लाते हो बराबर के तौर पर। ठीक है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल और प्रिडिक्टेबल, तो ये सभी चीज़ें मतलब डेली लाइफ में यूज वाले, तो इसका हिंदी पता होगा। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है, स्थिर होना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ना लगातार या फिर स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ या फिर लगातार। मान लो कोई काम अगर हम कंसिस्टेंट कर रहे हैं तो हम स्थिर वे में, मतलब ऐसा नहीं कि आज किए कल नहीं किए, नहीं, हम लगातार कर रहे हैं स्थिरता के साथ। और मैं ये बोलूँ ना मेथोडिकल, मतलब मेथोडिकल मतलब एक वर्ड होता है मेथड, मेथड से बना है मेथोडिकल, मतलब कोई चीज़ एक फिक्स मेथड से बना रहे हो, तो आप मतलब क्या कर रहे हो, स्थिरता के साथ बना रहे हो कहीं ना कहीं। मेथोडिकल अगर मैंने कोई बोर्ड मास का नियम पढ़ा, ठीक है, तो बोर्ड मास में कोई फिक्स रूल को मतलब लगातार बना रहे हो ना आप, उस रूल को लगातार फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टेबल, कंसिस्टेंट और मेथोडिकल ये सारे एक जैसे सेंस देने वाले बन रहे हैं। मतलब मेथोडिकल भी क्या रहे ना, तो फिक्स प्रोसेस मैंने फॉलो किया, फिर सेकंड में ये प्रोसेस, थर्ड में, ऐसा नहीं है ना कि आप पहले एक बना दिए तीन बना दिए, नहीं, वो एक क्या बन रहा है, कंसिस्टेंट हो के आप बना रहे हो, पहले इसको फॉलो करेंगे बोर्ड मास के अंदर, ब्रैकेट को करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये बी सी डी कहीं ना कहीं सेम अर्थ दे रहे हैं, लेकिन ये भैया अनप्रिडिक्टेबल, ये कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, बाकी सारे क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। तो हम ए को इस तरीके से तुक्का मार सकते थे, ठीक है, बट तुक्का मारने की जरूरत नहीं है अगर आपको हिंदी पता हो तो। इरेटिक का मतलब पता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, जिसको हम वही मैं जो हिंदी जानता हूँ मैं बता रहा हूँ, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो ए इसका सही है। मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ क्यों वो कैप पर ले जा रहा हूँ, बिकॉज वोकैबलरी के अंदर बहुतों को प्रॉब्लम है, उनको ऑप्शंस के हिंदी पता होता है लेकिन इसका हिंदी पता ही नहीं होता, तो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस की वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट सीखने के लिए मिल सकता। कह रहे द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डैश, मतलब परफ्यूम के पास क्या होता है, सेंट होता है, मतलब जो सुगंध देता है, यही ना होगा। अब सेंट का सही से स्पेलिंग कौन है, ये सेंट या फिर सेंड। पहली बात तो सेंड जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसका जो सेंट जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है, बी टू बी थ्री सेंट के तौर पे इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट में हम लोग सेंट यूज करते हैं। तो ये सेंट का स्पेलिंग मतलब होता है भेज दिया, मैंने क्या बोला, मैसेज आप भेज देते हो तो लिखते हैं मैसेज सेंट या फिर मैसेज हैज बीन सेंट, ठीक है, मतलब मैसेज भेजा गया या फिर मैसेज भेजा जा चुका है। तो मैसेज जब भेजा गया या फिर मतलब मैसेज भेज दिया, तो भेजने के अर्थ पास्ट फॉर्म में सेंट यूज करते हैं, और भेज मतलब भेजने के प्रेजेंट फॉर्म में सेंड यूज करते हैं। अब बच्चा ये वाला सेंट और ये वाला सेंट, तो ये जो सेंट है ना, तो एक आपने सुना होगा जैसे हमारे इंडियन करेंसी क्या है, सेंट, और बहुत सारे देश में एक सेंट नाम का भी करेंसी चलता है, ये वो सेंट है, ठीक है, कितना सेंट चाहिए आपको, तो ये करेंसी वाली सेंट है, ठीक है। और ये जो सेंट है इसका मतलब होता है सुगंध, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गंध। तो मैं बोल रहा हूँ द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल सेंट,
मतलब जो फ्रेंच का जो फ्रांस का जो परफ्यूम है उसमें बहुत ही अच्छा सा गंध है ठीक है, तो फॉलो करो। पैटिक का मतलब क्या होता है वो हमको नहीं पता है ठीक है। देखो अब कैसे कर सकते, इसका एंटोनिम कह रहा है फैटिक का। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मजबूत बनाना किसी चीज को। कंट्रोल का मतलब होता है काबू में लाना, और वीकनेस का मतलब क्या होता है कमजोरी ठीक है। थ्रेट का मतलब क्या होता है, डराना धमकी देना, ऐसी ना होता है। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्रोल आप किसी चीज को काबू में लाओगे तो पहले उसके ऊपर उसको कमजोर करके उसको अपने काबू में लोगे। वीकनेस का मतलब कमजोरी, और थ्रेट का मतलब होता है डराना। किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमको या तो उसको कमजोर होता है या फिर उसको डरा धमका के कंट्रोल में लाते हैं। तो ये सब के सब चुट्टा नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ क्या है भैया, किसी चीज को स्ट्रांग कर रहा है मजबूत कर रहा है, तो ये क्या पॉजिटिव सेंस दे रहा है, जो सबसे अलग है ऑप्शन में, दिख रहा है आपको। तो फैटिक का मतलब होता है थका हुआ दिखना, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है एनर्जेटिक रहना, मजबूती के साथ खड़ा रहना। तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। वैसे इसका सही आंसर यही है, मेरे को इसका हिंदी पहले से ही पता था, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से बाकियों निकम्मों को अला हटा के जो हीरो है उसको बाहर निकालना है ठीक है। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नियर एंड डिस्टेंस रिलेशंस फ्रॉम डबलिन एवेल्ड इज हॉस्पिटेबिलिटी इन अ कंस्टेंट क्या कह रहे हैं भैया, प्रोसेशन ठीक है। ये सब छोड़ो, अंदर आपको कह रहा है ये कह रहा है ग्रामेटिकल एरर बताओ इसके अंदर कैसे निकालेंगे। तो फिक्स प्रीपोजिशन मैंने पिछले एग्जाम के टाइम में पढ़ाया था, फिर एक बार पढ़ा दूंगा, 3 तारीख के बाद ही जो चीज़ें पॉसिबल है वो पॉसिबल। तो एवेल्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है एवेल प्लस ऑफ ठीक है, एवेल के साथ ऑफ आता है, तो यहाँ पर लिखोगे एवेल्ड ऑफ इज हॉस्पिटेबिलिटी हॉस्पिटेलिटी। तो ये चीज थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे एवेल के साथ ऑफ आता है तो जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर ऑफ एवेल ऑफ है। तो ये खैर टेंशन नहीं लो, फिक्स प्रीपोजिशन का मैं कुछ पढ़ा दूंगा, 100 तो नहीं करूंगा, कम से कम 60-70 करा दूंगा, जहाँ से जहाँ मैं फर्स्ट है टारगेट यही रहेगी। बाकी देखो हर चीज़ हम भगवान तो है नहीं, बट कोशिश ये रहेगी 50-60 में आपको रटवा दूंगा एक सिंगल वीडियो के अंदर, जहाँ से 99.9% चांसेस हो कि एग्जाम में आ जाए, टारगेट ये रहेगा, बाकी 0.1% मेरी और आपकी दुर्भाग्य। आगे देखो 12 नंबर कह रहा है किक वॉक का मतलब क्या होता है। किक वॉक का मतलब होता है ना कि आप ऑप्शन में देखो कि ईडीएम है इसका मतलब बताओ। किक वॉक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम ठीक है, जो भी आसान है वो मतलब ईजी होना, समथिंग ईजी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि इसका पैसिव या एक्टिव बनाओ, तेरा बाय होम वाज द लैपटॉप स्टोलन, ये ऑलरेडी पैसिव में है, इसका एक्टिव में बताओ। और जब पैसिव में है कैसे समझ में आया, बाय होम से समझ में आया और वाज से समझ, और वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा समझ में आ गया ये पैसिव है। ये वाज प्लस वी थ्री जब लग रहा है, वाज के साथ जब वी थ्री लग रहा है तो कहीं ना कहीं एक्टिव में ये पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, तो पास्ट इंडिफिनिट में जाने के लिए क्या लगता है, सब्जेक्ट के साथ वी टू लगता है, तो हैड तो भैया पास्ट परफेक्ट है, गलती है स्टील्स क्या है भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और वाज स्टीलिंग का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। हु स्टोल द लैपटॉप, तो ये सब्जेक्ट के साथ आपका वी टू लग गया, तो करेक्ट आंसर ए है, तरीके से एलिमिनेट करो। 14 नंबर सवाल कह रहा है द स्टूडेंट सेड आई मस्ट स्टडी हार्ड, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताना है, इनडायरेक्ट में बताओ इसको। तो स्टूडेंट ने कहा, तो सेड का तो हमेशा देखो पास्ट में तो उसको पास्ट में लिखेंगे, तो सेज नहीं लिख सकते, से नहीं लिखते, सेज नहीं लिख सकते, तो ऑब्वियसली बचा किसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तुम्हार तो तुक्का तुक्का मतलब नहीं है, कन्फर्म ही है, हम लोग बस छोटी छोटी चीज़ों को भी देख के कभी कभार आंसर निकाल सकते हैं, सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए ठीक है ना। चलो 15 और लास्ट सवाल कह रहा है एडवर्ब ऑफ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का एडवर्ब, तो एडवर्ब में जनरली आपने देखा होगा ना एल वाई लग जाता है लास्ट, क्योंकि सर कंफर्टेबली कहते हैं, तो इसमें एल ई वाई लगा हुआ है भाई, जो कि गलत है, एल वाई मैंने कहा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर एल वाई लगा है कंफर्टेबली ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझोगे इस चीज़ को लेकर, बहुत बीबीआई सवाल थे। बाकी जाने से पहले वही कमेंट करके बताओ 15 में कितने सही किए, और सारे पीडीएफ को मेरे पे एक बार ट्रस्ट करके बनाओ, क्योंकि पीडीएफ ऐसा नहीं कि 1000-2000 का है, उसके लिए 100-200 का पड़ेगा ठीक है। तो सारे पीडीएफ आप बना के जाओ एग्जाम में और ट्रस्ट करके जाओ, मैं यही कहूँगा कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना।